नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुस्कान उस्मानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों की ओर। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी के साथ न्याय होगा, आरिफ को इनाम की जगह डरा रहे। बिल्डर को मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकी, अपार्टमेंट के लिए जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करा, 50 लाख रुपए एफआईआर दर्ज। अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदनी ने कहा सड़क पानी मुद्दा तो राम क्यों नहीं, जिसे राम नाम में आनंद नहीं वो जांच कराए। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष पहुंचे मथुरा, वृंदावन में की यमुना की आरती, यमुना की दुर्दशा से आहत नजर आए चिंतानंद मुनि। अतीक की पत्नी की पहली बार बिना बुर्के की फोटो, उमेश पाल हत्याकांड में फरार है शाइस्ता परवीन, पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। आगरा में व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर फंदे पर लटकी विवाहिता, लिखा हम पे बिता जब हमने जाना कि इंसान पंखे से क्यों लटकता है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता को दौड़ाकर पीटा, महिलाओं ने कपड़े फाड़कर सिर फोड़ दिया, दुकान को लेकर हुआ था झगड़ा। मायके आई बेटी का मंगलसूत्र छीन कर भागे बदमाश, बाइक सवार दो युवकों ने पुलिस चौकी के पास छीना। अयोध्या धाम में 3 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, रामनगरी में भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। हरदोई में बच्ची से रेप की कोशिश, दो किशोर बहला फुसला कर ले गए गेहूं के खेत, शोर मचाने पर हुए फरार। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा, लखनऊ और नोएडा में कई ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला जो दूसरे के नाम से ली गई हैं। कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन से झुलसे दो मासूम, छत पर खेलते समय हवा चलने से हुआ हादसा, दोनों बच्चे गोरखपुर रेफर। आजमगढ़ कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक, बोले वसूली में सहयोग नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी अटैच करें, कब्जे से जमीन मुक्त कराएं। कानपुर में 24 घंटे में 3 कोविड पॉजिटिव, सीएमओ ने अस्पतालों को जारी किया अलर्ट, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश। उन्नाव में घर पर लगा ताला, अंदर फांसी पर लटका मिला शव, युवक की पत्नी और मां ने एक दूसरे पर लगाया हत्या का आरोप। बिजनौर में नाबालिग छात्रा से कार में रेप, एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, स्कूल जाते हुए रोका था, किशोरी से थी जान पहचान। अयोध्या में सीएमएस कोरोना संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, रैंडम जांच में पॉजिटिव आए। शिक्षा मित्रों ने 6 सूत्रीय मांग, भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा, सीएम योगी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का किया अनुरोध। लखनऊ के बिल्डर फहद याजदानी भगोड़ा घोषित, मुनादी कर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, जहां 24 को दर्ज हुआ केस, 6 महीने पहले ज्वेलर्स दुकान से जेवर चुराने के 2 आरोपी गिरफ्तार।
बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस जता रही आत्महत्या की आशंका। खिचड़ी खाने से 18 बच्चों समेत 20 की तबीयत बिगड़ी, सीएमएस बोले 3 बच्चों की हालत गंभीर, नवरात्र में भंडारे का हुआ था आयोजन। अनुसूचित जाति जनजाति की विशाल रैली का होगा आयोजन, अजाज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया रैली में आने का निमंत्रण। ₹130 शहीदों के नाम पर विकास कार्यों का होगा नामकरण, गाजीपुर जिला पंचायत ने लिया ऐतिहासिक निर्णय, ₹50 करोड़ होंगे खर्च। झांसी में बारिश के चलते किसान परेशान, सरकार से कर रहे मुआवजे की मांग। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, बंद पड़ी फैक्ट्रियों में वारदात को देते थे अंजाम, रेकी करने के बाद करते थे चोरी। रिटायर्ड आईपीएस बनकर झांसी एसएसपी को धमकाया, बोला महिला सिपाही का प्रेमनगर थाने से ट्रांसफर कर तुरंत अवगत कराएं। इटावा में घर तक पशुओं का इलाज करने पहुंचेगी वैन, पशु उपचार पशुपालकों के द्वार योजना की शुरुआत, जिले को मिली 5 वेनेटरी वैन। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में रपटा के फाटक खुले, नगर पंचायत नया गांव ने यूपी के लेजर लाइट शो एंड साउंड शो पर लगाया ग्रहण। प्रतापगढ़ में नवरात्र महोत्सव की धूम, मैया कल्याण धाम से नवरात्र की पंचमी पर माता और कल्ला जी की निकली शोभा यात्रा। बुलंदशहर में नहीं थम रही सरकारी राशन की कालाबाजारी, क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई, मोटी रकम कमाने में लगे व्यापारी। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, 308 पेटी अवैध शराब बरामद, एक अदर टैंकर भी बरामद। फरीदाबाद में निकाली गई भगवा रैली, रैली में भगवाधारियों ने कानून की उड़ाई धज्जियां, रैली की आड़ में लहराई गई तलवारें। फरुखाबाद में स्टेशन पर नमाज पढ़ने पर हिंदू महासभा ने घेरा थाना, ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर किया गया प्रदर्शन। कानपुर में सपा जिलाध्यक्ष बने फजल महमूद, इससे पहले 2016 में भी बनाए जा चुके हैं जिलाध्यक्ष, अच्छी कार्यशैली को देखते हुए फिर से बनाए गए जिलाध्यक्ष। आईपीएल के रंग में रंगी राजधानी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों ने किया रोड शो, अंबेडकर पार्क में हुआ देश का पहला स्पोर्ट्स ड्रोन शो। मैनपुरी में रोटावेटर के ऊपर गिरने से मासूम की मौत, खेत जोत रहे ट्रैक्टर के पीछे चढ़ने पर हुआ हादसा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी के मतौली कसूरबा स्कूल में 39 छात्राएं मिली कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जाना बच्चों का हालचाल। बिजनौर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, शव मिलने से परिजनों में मचा कोहरा। अज्ञात कारणों से 21 घरों में लगी आग, आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। लखीमपुर खीरी में एसपी ने इंडो नेपाल बॉर्डर में किया पैदल गश्त, एसपी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश।
लखनऊ में सीबीडी की तर्ज पर विकसित होगा कपूरथला बाजार। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कानपुर के करौली सरकार आश्रम केस में डॉक्टर का नया वीडियो आया सामने। सीएम आवास के बाहर डॉक्टर जमीन पर लेटे बाबा बोले, हंगामा करने पर पुलिस ने पीटा था। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, महिलाएं समेत चार लोग हुए घायल। अति गैंग के मददगार 17 और पुलिसकर्मी हटाए गए, सूचनाएं लीक करने के आरोप में पहले भी 8 को हटाया गया था। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या पहुंची 262, 24 घंटे में मिले 29 केस, कल लखीमपुर के स्कूल में मिले थे 39 संक्रमित। बांदा में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, प्रदर्शनी देखकर घर लौटते समय तेज रफ्तार वाहन ने मारी बाइक में टक्कर, एक घायल। उन्नाव में सदर विधायक ने युवक पर दर्ज कराई रिपोर्ट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप, कहा विपक्षियों से मिलकर कर रहा बदनाम। फतेहपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, पीड़ित पिता ने ससुरालियों पर लगाया आरोप। चंदौली से सारनाथ के लिए रवाना हुए 50 छात्र, ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर करेंगे अध्ययन, बीईओ बोले ये छात्र नए भारत के निर्माण में करेंगे सहयोग। मऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया पथ संचलन, जगह जगह फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत, उत्साह का रहा माहौल। गाजीपुर में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, आपात हालातों से निपटने के लिए दी जा रही स्काउट गाइड ट्रेनिंग। हरदोई में पोते ने 70 वर्षीय वृद्धा के साथ किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मारपीट का मुकदमा। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेनो प्राधिकरण ने 26 आवासीय भूखंडों का किया ऑक्शन, भूखंडों का ड्रॉ 4 दिन और चलेगा। श्रावस्ती में नहर में डूबे दो बच्चे, मवेशी चराने गए थे, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, तलाश लगातार जारी। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, दो की मौत, एक गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर, ढाबे पर खाना खाकर लौट रहे थे सभी। रायबरेली में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी, 4 दिन में हुई 3 बड़ी चोरियां, मेडिकल स्टोर से चोरों ने चुराए 34,000 रुपए। अलीगढ़ में ऑटो चालक ने बच्ची से किया दुष्कर्म का प्रयास, 12 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया साथ, पब्लिक ने चालक को किया पुलिस के हवाले। शोरूम में अंगूठी चोरी करने वाली महिला सहित 3 गिरफ्तार, ब्रांडेड कपड़े पहनकर बाजार में घूमते थे, टूरिस्ट बनकर चोरी कर फरार हो जाते। सीतापुर में पुलिस अभिरक्षा से वृद्ध कैदी फरार, तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती, सुरक्षा में लगे 2 आरक्षियों पर होगी कार्रवाई। फरुखाबाद स्टेशन पर हिंदू महासभा का हंगामा, प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने का विरोध, कार्रवाई की मांग, हनुमान चालीसा पढ़ने की दी चेतावनी। फतेहपुर में भांजी की गोद भराई में आए मामा की मौत, घर के बाहर लगे खंभे से आया करंट, चपेट में आने से हुआ हादसा।
कानपुर में सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह 51 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ, आशीर्वाद देने पहुंचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। उन्नाव में बुखार के मरीजों की बड़ी संख्या, इमरजेंसी वार्ड में बढ़ाए गए बेड, ओपीडी में 200 से अधिक मरीज इलाज कराने आए। कानपुर में बर्तन की दुकान में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू, हजारों का सामान जलकर राख। संबल में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की हुई मौत, एक बच्चा गंभीर घायल, खेलते समय हुआ हादसा, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। गंग नहर में गाद जमा होने से आगरा वाले परेशान, नहीं हो रही पानी की आपूर्ति, टैंकर समर सेवल पर निर्भर जनता, खरीद कर ले रहे पानी। औरैया में कपड़ा व्यापारी ने किया सुसाइड, कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिया, सफाई में उपचार के दौरान गई जान। ललितपुर में आग से 5 एकड़ फसल जली, हार्वेस्टर से निकली चिंगारे से हुआ हादसा, किसान को 4 लाख से ज्यादा का नुकसान। कुशीनगर में हाईटेंशन लाइन से झुलसे 2 मासूम, छत पर खेलते समय हवा चलने से हुआ हादसा, दोनों बच्चे गोरखपुर रेफर। लखनऊ में फिर सता रहा कोरोना, अस्पतालों को जारी किया अलर्ट, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। बिजनौर में नाबालिग छात्रा से कार में हुआ रेप, एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। सात महीने पहले धर्म परिवर्तन कराकर किशोरी से किया निकाह, परिजनों को अश्लील फोटो भेजकर 4 लाख मांगे। आगरा में बारिश के चलते किसान परेशान, बोले आसमान से बरसी आफत, कम से कम पीड़ित किसानों को सरकार मुआवजा दे। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकी, पावर कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 28 कर्मचारियों के 1 महीने का वेतन और पेंशन रोका। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।